धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। दोस्तों इस श्लोक में धृतराष्ट्र ये जानना चाहते थे कि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के बीच क्या हो रहा है। महाभारत का पूरा आधार यही है कि धृतराष्ट्र ने अपने ही परिवार की अगली पीढ़ी को अपने पुत्रों और पांडवों के बीच अलग अलग बांट दिया। अब मूवी किसी का भाई किसी की रीमेक मूवी किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इस श्लोक को बिग स्क्रीन पर किस तरह से बोल रहे हैं उसे देखकर हिंदी सिनेमा की दशा और दुर्दशा दोनों पर तरस आता है। अब ये सीन उनके कैरेक्टर भाई जान के गीता ज्ञान का है। अब मूवी भारत के बाद सलमान खान का कैरेक्टर एक बार फिर से ये जताने की कोशिश कर रहा है कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है। फरहाद सामजी की इस मूवी में तीन छोटे भाइयों के भाई जान है सलमान, जो बाद में इसी नाम के साथ पूरी बस्ती में पहचाने गए हैं। दोस्तों गीता का श्लोक जैसे ही सलमान ने बिग स्क्रीन पर बोला उससे तो यही पता चलता है कि मूवी मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उनका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है। उनके आसपास अब एक भी ऐसा इंसान नहीं बचा जो उनकी आंखों में आंखें डालकर यह कह सके कि भाई आप ये सब क्या कर रहे हो। हालांकि दोस्तों सलमान खान की एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये फैन फॉलोइंग उनकी रियासत नहीं। लेकिन ये बात सलमान खान को समझने में काफी देर हो चुकी है। मूवी भोला के बाद इस साल की यह दूसरी मेगा बजट बॉलीवुड मूवी है, जो कि दोस्तों मुझे लगा था कि एक आधा ही हिंदी रीमेक होगी। लेकिन भाई मूवी देखने के बाद मुझे पता चला कि ये मूवी तो 96% वीरम मूवी को ही कट कॉपी पेस्ट करके हमें चिपकाई गई है। मूवी किसी का भाई किसी की रीमेक मतलब यार किसी का भाई किसी की जान, चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और साउथ इंडिया के चार किरदारों की कहानी है। और भाई कहानी देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मूवी के ट्रेलर लॉन्च में सलमान ने सूरज का नाम बिल्कुल सही लिया था। लेकिन मूवी बच्चन पांडे भी फरहाद सामजी ने ही निर्देशित की है। और अगर आप कहीं गलती से किसी का भाई किसी की जान मूवी देखने चले गए तो भाई बच्चन पांडे आपको एक बेहतर मूवी लगने लगेगी। अब भाई मूवी ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की चौथी मूवी है, जिसे देखने के लिए उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग भले ही भरपूर मात्रा में चली जाए, लेकिन मूवी ने ईद का जश्न मनाने का मौका तो उनसे छीन ही लिया है। पूरी की पूरी मूवी में ही आपको सलमान खान ही नजर आए हैं, कभी लंबे बालों के साथ, कभी मेहंदी रचे बालों के साथ और कभी बिल्कुल चिट बालों के साथ। और उनके चेहरे की सुंदरता को दिखाने के लिए भी खूब सारी फोटोशॉपिंग हुई है। लेकिन सुभाष गई की मूवी युवराज की तरह ही बदलती उनकी इन छवियों ने उनके करियर की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया। दोस्तों मूवी में सलमान खान के किरदार का कोई नाम नहीं, ना ही फर्स्ट नेम और ना ही सरनेम, और इसे ऑडियंस समझ जाए इसके लिए इसे मूवी में कई बार दोहराया गया है। अब अपने भाई जान ने तीन अनाथ बच्चों को अपनी किशोर अवस्था से पाला है। अब उन्होंने दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी या दादा न कहते हुए अपने बड़े भाई को भाई जान कहना क्यों शुरू कर दिया, इस सवाल का जवाब तो आपको फरहाद सामजी ही दे सकते हैं। अब मूवी में तीन भाइयों की तीन प्रेमिकाएं भी हैं, जो कौन है कहां से आई है घर परिवार में कौन है किसी को कुछ पता नहीं, बस जैसे ही उनकी मूवी में जरूरत हुई उनको घुसेड़ दिया गया। और साथ में सतीश कौशिक और आसिफ शेख जैसे मोहल्ले में बुजुर्ग भी हैं। और कहानी में जो फरहाद सामजी शूट न कर पाए वो आपको किस्सों के जरिए सुनाएंगे। फ्लैशबैक की भरमार वाली इस मूवी की कहानी में आपको पहले से ही मालूम हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अब भाई जो काम सिनेमा हॉल में जाकर आप लोगों को करना था वो मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से करवाया गया है। दोस्तों एक मूवी वही सफल होती है जिसमें हीरो की एंट्री पर आप लोग कुर्सी से उठकर सीटियां और तालियां बजाएं, लेकिन इस मूवी में ये काम उनके कलाकारों द्वारा ही करवाया गया है। और अब इसके लिए आपको कुर्सी से उठकर तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर दोस्तों हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के बाद फरहाद सामजी का नाम इसलिए भी याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारों को धूमकेतु में बदलने की महारत कैसे हासिल की है। अब भाई मूवी किसी का भाई किसी की जान की डायलॉग डिलीवरी भी मुझे अटपटे टाइप की लगी और उम्मीद थी कि मूवी के गानों में इसकी कसर पूरी होगी, लेकिन वहां भी मामला चौपट है। अब मूवी देखने भाई आप दो कंडीशन में जा सकते हैं। अब पहला रीजन तो भाई ये बनता है कि आप सलमान खान की ह्यूज फैन फॉलोइंग में से एक हैं, और दूसरा भाई इस मूवी के एक्शन, इसके अलावा मूवी देखने का कोई सेंस नहीं बनता। बाकी भाई पैसे आपके टाइम आपका। मूवी रिव्यू की जर्नी में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।